नई रेसिपी लेकर आए हैं, समर स्पेशल कच्चे पपीता का सलाद। तो कच्चे पपीता का सलाद के लिए जहाँ पर ग्रेवी के लिए हम बनाने वाले हैं पीनट चटनी। तो आइए देखते हैं किस तरह से पीनट चटनी बनती है। यहाँ पर समर सलाद के लिए हम पीनट चटनी बनाने वाले हैं, जिसमें हमने यूज किया है देसी गुड़। पीनट भिगोए हुए है 8 या 9 घंटे तक, और उनकी जो स्किन है वो निकाल दी है हमने, और थोड़ा सा सेंधा नमक है, हरी मिर्च है और लेमन। तो आइए बनाते हैं। ये पीनट्स मैंने लिए हैं 1 बाउल जितना। इनमें से हम थोड़ा सा गुड़ डाल देंगे, स्वाद के अनुसार सेंधा नमक, हरी मिर्च है 1, और थोड़ा सा नींबू जूस डाल देंगे। अब इसमें 1/2 कप जितना पानी डाल के मिक्सी जार में मिक्स कर देंगे। अब ये बहुत ही अच्छी तरह से एकदम से मिक्स हो गया है। अब इसको बाउल में निकाल लेंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं समर स्पेशल कच्चे पपीता का सलाद। इसमें हमने यूज किया है ये कच्चा पपीता, जिसको इस साधन की मदद से हमने छीना है, वो लेंगे हम बाउल में। और थोड़ा सा कच्चा आम, जिनको भी इस तरह से छीना गया है, वो भी हम बाउल में डाल देंगे। और थोड़ा सा हम डालेंगे कैरेट। उनको भी बाउल में डाल दिया है। अब थोड़ा सा टमाटर यूज करेंगे हम। और हमने ये जो मूंगफली के दाने से टेंगी चटनी बनाई थी, वो भी इस सलाद में हम डाल देंगे। यहाँ पर हमने 3 टेबलस्पून जितना यूज किया है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल रेडी है समर स्पेशल कच्चे पपीता का सलाद, जो आप दोपहर के वक्त में खा सकते हैं। ऐसे कोई हार्ट डिजीज है तो आप ये दोपहर के दौरान भी लेंगे, रात के डिनर भी ऐसा सलाद ले लेंगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए। तो ये हमारी जो कच्चे पपीता की रेसिपी है, कुछ ही घंटों में नहीं पर कुछ ही मिनटों में बन जाती है। ये सलाद है, आप सेपरेट में भी ले सकते हैं। यदि आप कहीं पर बाहर गए हैं, ऐसे कोई पिकनिक पॉइंट पे गए हैं, तो ऐसे टिफिन बॉक्स में डालकर, सेपरेट डालकर वहाँ पर भी ये सलाद बनाकर खा सकते हैं आप। तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा, और आप कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि ये रेसिपी आपको किस तरह से लगी है।